गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये है शांतनु, मैं हूँ शुक्ला। आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बहुत देर से वेट कर रहे हो यार, इतना इंतजार मेरा तो नहीं करोगे। जब अभी नहीं आए होते तो अब तक पता नहीं क्या क्या लिख दिए होते। और ये जॉर्डन बाबा जो 7 मिनट लेट आए, इनसे पूछो जरा। 7 मिनट हम ही लोग हैं ना जॉर्डन, तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ और क्या। सो आज का टारगेट पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्या टारगेट होना चाहिए आज का। तो आज का टारगेट कितना रखा है, 5,000? क्योंकि चौड़े में सवाल है, मतलब 10 के नीचे बात नहीं करनी है। 5 रखते हैं, ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी। मेरे साथ हैं शांतनु शुक्ला और उत्सा मैम, उदिशा मैम। सारे स्टूडेंट्स जो है ट्रायो को देख के बहुत खुश होते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार स्क्रीन पे ट्रायो साथ में आ जाए, मैं जॉर्डन बाबा का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और शेयर करो यार, खींच के तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं जी, आप सबका सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद हमारी जो मतलब हमारे बच्चे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जब से हम लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन है, उसके बाद से ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी एक उत्साह आ चुका है। और जो हम लोग लगातार उदिशा मैम और सौरभ सर लगातार ये एक बात बड़ी अच्छी बोल रहे हैं लगातार इस बीच जो है कि जुलाई महीना आपके झुलसने का महीना है, है ना। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग करके दिखाएं भाई, मतलब आप ही दोनों का है। ये कब हुआ, मैंने मैंने मारा था। नहीं करूंगी चोरी। नहीं, ये सच में फैक्ट है। ये जुलाई का तगड़ी बात है यार। जुलाई महीना जो है झुलसने का महीना है, उसके बाद तो बस सुकून ही है। वैसे भी उसके बाद सावन जो है उसके बाद आया था, तो थोड़ा सा मानसून के बाद वाला वक्त अच्छा ही होता है, सुकून वाला होता है। लॉजिकल भी है, ठीक है, लॉजिकल भी है, ठीक है। सो ताबड़तोड़ मैथ्स पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स 1100 अभी तक ऑलरेडी आ चुके हैं बच्चे, मतलब ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लाइक और लाइक बराबर रखेंगे दोस्तों। हां, मतलब बराबर करना चाहिए, सीने में है वो कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए। जस्ट कीप इट अप एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आई कमेंट के जगह बस यही करना है, बस ऐसे लाइक किया और शुरू कर दिया और बस वो चार कंपोनेंट इकट्ठा कर लेना, दिमाग, कंसंट्रेशन, नोटबुक और पेन। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों ध्यान रखें, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बलबूते आप एग्जाम क्रैक नहीं करने वाले। आप सबका टारगेट जो है वो टाइम पास वाली तैयारी नहीं है, आप सभी का टारगेट सिलेक्शन लेने वाली तैयारी है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों ही सेगमेंट पर उतना ही जोर लगाना होगा। ध्यान रहे, दो अगर स्ट्रांग कर लिया, एक कमजोर कर लिया तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसलिए तीनों को स्ट्रांग करना बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स की। ओके।